सब्सक्राइब कीजिए क्रिएटिव मेड चैनल को और बेल के आइकॉन को दबाइए सबसे पहले नई जानकारी को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मेड में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्लाइडिंग टेक्स्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं अपने वीडियो में स्लाइडिंग टेक्स्ट लगाता हूँ, वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और दोस्तों, उसमें मैं लोगों से कहता हूँ सब्सक्राइब लाइक शेयर वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों, वो एक प्रोफेशनल टाइप का स्लाइडिंग टेक्स्ट लगता है। तो दोस्तों, आप उस टेक्स्ट को कैसे बना सकते हैं? दोस्तों देखिए, जैसा कि मेरे वीडियो में स्लाइडिंग टेक्स्ट एनिमेट कर रहा है, इस तरह से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। और दोस्तों, इसको बनाने के बाद आपको प्ले करके दिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आप इस टेक्स्ट को बनाना सीख गए तो आप अलग अलग तरह के प्रोफेशनल तरीके से स्लाइडिंग टेक्स्ट बना सकते हैं और उसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से आप स्लाइडिंग टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको स्लाइडिंग टेक्स्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? सब्सक्राइब बटन की जरूरत पड़ेगी, लाइक बटन की जरूरत पड़ेगी और कमेंट के बटन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों देखिए, मैंने ये स्लाइडिंग टेक्स्ट का एक फोल्डर बना रखा है, इसमें मैंने ये तीनों लोगों डाउनलोड कर रखे हैं, कमेंट लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों एक बात ध्यान देने की है, आपको सारे बटन PNG फॉर्मेट में डाउनलोड करने हैं और इसमें इसका बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। ये सारे आपको गूगल इमेज में मिल जाएंगे। देखिए, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसमें देखिए, इसमें भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये देखिए, इसमें भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो दोस्तों, टेक्स्ट को बनाने के लिए आपको किसी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप ग्राफिक्स बना सकते हैं। आप फोटोशॉप का यूज़ करते हुए बना सकते हैं, कोरल ड्रा का यूज़ करते हुए बना सकते हैं, बाकी और दोस्तों अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको सरल पड़े आप उसका यूज़ करके बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको कोरल ड्रा का यूज़ करके इस स्लाइडिंग टेक्स्ट को बना के दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं ग्राफिक्स को बनाने के लिए कोरल ड्रा का यूज़ करूंगा। तो दोस्तों, मैं यहां से खोल लेता हूं कोरल ड्रा। उसके बाद यहां से नया पेज बना लीजिए, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और दोस्तों, आपको यहाँ पर RGB कलर को सिलेक्ट करके रखना है क्योंकि वेब में वही ज़्यादातर यूज़ होता है, वीडियो हो, वेब हो वगैरह वगैरह। दोस्तों यहाँ पे RGB रखिएगा, उसके बाद ओके कर लीजिए, ये पेज बन गया। और दोस्तों, उसके बाद साइज़ ले लीजिए यहाँ पर वीडियो के फ्रेम का, जितना बड़ा आप थंबनेल बनाते हैं उतना बड़ा साइज़ होगा, 1280x720 में बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप जो है यूनिट को सिलेक्ट कर लीजिए, पिक्सल में साइज़ बनता है, इसको सिलेक्ट करिए यहाँ से और बनाइए 1280x720, बीच में सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, मैं अपना कलर ले लेता हूँ जो कि मैं अपने वीडियो में यूज़ करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे कलर है, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसको और यहाँ ला करके पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पर। अब मैं देखा होगा इस तरह का मेरा लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, ये बन गया। इसको जूम करके इसके कॉर्नर को राउंड कर लीजिए। उसके बाद इसमें ये वाला कलर बैक में फिट करिए, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ जाइए कलर में, फाउंटेन फिल पे जाइए, ओके कर दीजिए। उसके बाद इस पर आकर के R दबा दीजिए, सेम कलर इसमें भर जाएगा। और यहाँ से जा करके इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन कर लीजिए। उसके बाद इसकी कॉपी करिए और थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, जैसा कि मेरे लोगों में आपने देखा होगा। फिर आपको यहाँ से काला कलर ब्लैक चूज़ कर लीजिए, ये लाइनें कमी रखिएगा तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल और खींच लूँगा, इसमें आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। इसके भी मैं कॉर्नर को राउंड कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा सारा। उसके बाद इसमें कलर भरूँगा मैं, ये ग्रीन वाला, इसको सेलेक्ट करिए, फाउंटेन फिल में जाइए, ओके करिए। उसके बाद यहाँ पर आकर के R दबा दीजिए, आउटलाइन हटाइए, फिर इसकी एक और कॉपी करिए और यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लीजिए और ये इतनी आउटलाइन दिखनी चाहिए इसमें। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बन गया। इसको सेलेक्ट करके इसके पीछे डाल दीजिए और इसको पेज डाउन कर दीजिए, पेज डाउन से बिल्कुल नीचे चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना लोगो लाकर लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा लोगो है, मैं इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगा और इसके अंदर सही से मैनेज करूंगा। ये देखिए दोस्तों, आप जैसा चाहें अपना लोगो बना सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, फिर मैं यहाँ लिखूँगा फार मोर ट्यूटोरियल सब्सक्राइब दी चैनल और इसमें कलर भरने के लिए जैसा कि आपने इसमें भरा वैसी भरिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फाउंटेन फिल में जाइए, ओके करिए और यहाँ R दबा लीजिए। उसके बाद फॉन्ट का साइज यहाँ से सेलेक्ट करिए, जितना एडजस्ट हो जाए उतना लगाइए। उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लगाइए, ला करके जो मैंने डाउनलोड करा मैं यहाँ से इसमें जा करके इंपोर्ट करा लूँगा। ये देखिए दोस्तों,
और फिर मैं इसके बीच में यहाँ लगा देता हूँ। अब फॉन्ट का स्टाइल बदल लीजिए। तो दोस्तों मैं ये वाला लगाता हूँ, आपको जो सही लगे वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब वाले बटन को, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। उसके बाद इसका कलर जो है यहाँ से वाइट कर दीजिए ताकि ये अलग से दिखे। इसको यहाँ सेलेक्ट करके छोटा कर लीजिए, कोने से पकड़िए। उसका इसको यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों आपका एक टेक्स्ट तैयार हो गया है। इसके बाद दूसरा बनाते हैं। इसको उठा करके ऊपर रख दीजिए, इसको करिए कॉपी और यहाँ ला करके उसको दूसरा रखिए। उसके बाद लिखिए फॉर एनी क्वेरी टू कमेंट नाउ, और यहाँ पे कमेंट का बटन लगाइए ला करके। ये देखिए ये कमेंट का बटन हो गया दोस्तों। उसके बाद तीसरा वाला लाइक वाला, इसको कॉपी करिए या नीचे ला करके रखिए। उसके बाद लिखिए आप यहाँ टू सपोर्ट अस लाइक एंड शेयर प्लीज़। उसके बाद यहाँ पर लाइक का बटन लगाइए, इंपोर्ट करिए यहाँ से। ये देखिए दोस्तों तीनों बन गए हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये लोगो निकाल करके अलग रख लीजिए, ये टेक्स्ट निकाल करके अलग रख लीजिए, ये सब्सक्राइब बटन अलग रख लीजिए, ये सारा करिए डिलीट। उसके बाद इतना एरिया एक्सपोर्ट करिए। इसकी आपको PNG फाइल बनानी होगी, इसमें जाइए एक्सपोर्ट करिए, और मैं उसी फोल्डर में सेव करूँगा स्लाइडिंग वाले में। इसको नाम दे दूँगा मैं कमेंट, और यहाँ पर जाइए PNG। PNG में क्या होता है दोस्तों, बैकग्राउंड नहीं आती है। उसके बाद करिए एक्सपोर्ट, पहले से फाइल है, नाम मैं यहाँ से थोड़ा सा कमेंट बन कर दूँगा। ये देखिए दोस्तों बैकग्राउंड नहीं आ रही है। उसके बाद आप यहाँ जा करके इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए ओके। और जो भी मैंने अभी डिलीट किया था, मैं उसको सबको वापस ले लेता हूँ Ctrl+Z दबा करके। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस टेक्स्ट का जो है आपको PNG फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इसको डिलीट करिए यहाँ से। इसका PNG फॉर्मेट बनाइए, फिर जाइए एक्सपोर्ट में, कमेंट टू नाम से बना लीजिए। कमेंट वन था, ये टू हो गया, यहाँ से एक्सपोर्ट ओके। फिर से जेड दबा के वापस ले लीजिए। अब की बार ये कमेंट वाला टेक्स्ट आपको लेना पड़ेगा, इसको डिलीट कर दीजिए, फिर इसको एक्सपोर्ट करिए। दोस्तों ये सब्सक्राइब वाला ध्यान रखिए, ये सब में तीनों में काम आएगा, सब कमेंट एंड लाइक, ये तीनों में दोस्तों काम आएगा। दोस्तों इसको जो बनाई थी सब्सक्राइब वाला नाम बनाइए। अब दोस्तों को मैं कमेंट वाला बनाता हूँ, यहाँ पे इसको नाम दूंगा कमेंट वन, इसको करिए एक्सपोर्ट ओके, फिर जेड दबाइए। अब आपको लाइक एंड शेयर वाला टेक्स्ट लेना है, इसकी PNG फॉर्मेट बनानी है, ये सब डिलीट करिए। एक्सपोर्ट लाइक एंड शेयर नाम दीजिए फाइल को, एक्सपोर्ट करिए, यहाँ से ओके करिए। दोस्तों ये कोरल ड्रा का काम खत्म हो गया है, टेक्स्ट सारे बन गए हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोलना है जिसमें आपको एनिमेट कराना होगा अपना टेक्स्ट। तो दोस्तों मैं फिल्मोरा खोल करके इसमें आपको बना करके दिखाने वाला हूँ। इसको यहाँ से खोल लीजिए, नया प्रोजेक्ट, बैकग्राउंड डाल लेता हूँ मैं यहाँ से, ये केवल मैं आपको डमी के तौर पर बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ जाइए टेक्स्ट में, इसमें से कोई एक टेक्स्ट को उठा करके नीचे डाल लीजिए। अब इसको यहाँ से करिए बड़ा थोड़ा, ताकि बड़ा दिखे। इस पर दो बार क्लिक करिए, एडवांस में जाइए, ये जो टेक्स्ट जितने हैं सब डिलीट कर दीजिए, आपको अपना बनाना है इसलिए। अब यहाँ जाइए इमेज में, इम्पोर्ट करिए यहाँ से जो अभी बनाए हैं सब। ये देखिए दोस्तों स्लाइडिंग टेक्स्ट है। सबसे पहले आप ये बैकग्राउंड डाल लीजिए इसको, जो मैंने बनाया था सब्सक्राइब कमेंट लाइक वाला, इसको यहाँ डालिए। उसके बाद दोस्तों इसको बड़ा कर लीजिए, जितना बड़ा आपको एरिया चाहिए। ये देखिए इतना मैं कर लूँगा, इतना काफ़ी है, और बीच में रखिए बिल्कुल। अब इसमें आपको एनिमेशन देना है, इसको मैं नीचे से ऊपर आता हुआ दूंगा, ये वाला मैं देता हूँ इसको। थोड़ी टाइमिंग कम कर लीजिए इसकी आने जाने की। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप यहाँ से इंपोर्ट करिए लोगो, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर आपको जा करके ऐड करना है, ये देखिए दोस्तों लोगो ऐड हो गया। इसमें आपको अब एनिमेशन डालना है, तो दोस्तों इसमें से मैं ये वाला डालूँगा,
ये देखिए इसमें एनिमेशन पड़ गया, और इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर दीजिए, टाइमिंग कम ले ताकि, और इसमें टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो डालिए ला करके। तो दोस्तों मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, सबसे पहले सब्सक्राइब वाला बनाना है, ये उठाइए यहाँ से, इसमें रखिए यहाँ पर ला करके, इसको कर लीजिए बड़ा, ये देखिए। अब इसमें ला कर बटन लगाइए, ये इसमें ला करके छोटा कर लीजिए, थोड़ा इसको और छोटा कर लीजिए, देखिए दोस्तों। अब आपको इसको एनिमेशन देना है, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद इसको भी एनिमेशन दे दीजिए, ये इस साइड से दे दीजिए, प्ले करके देखिए। दोस्तों एंड को जो है कम कर दीजिए और बराबर कर दीजिए, अब फिर से प्ले करके देखिए, ये देखिए परफेक्ट बन गया। इसको कर लीजिए यहाँ से ओके, पहला टेक्स्ट आपका बन गया है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ ला करके पेस्ट कर लीजिए, इसको फिर से एडिट करिए एडवांस में जा करके। अब आपको बनाना है यहाँ पर कमेंट वाला, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, ये ऐसा ही रहने दीजिए। अब लीजिए कमेंट यहाँ पर ला करके इसमें बड़ा करिए, उसके बाद कमेंट का बटन लगाइए यहाँ, इसको सही से आप एडजस्ट कर लीजिए, ये देखिए। अब दोस्तों इसमें फिर से आपको एनिमेशन डालना पड़ेगा क्योंकि वो डिलीट कर दिया, हट गया, इसमें डालिए, इसके बराबर करिए, ये वाला बिल्कुल इसके बराबर कर दीजिए, इसमें ला कर डालिए एनिमेशन, इसको इसके बराबर कर दीजिए, और यहाँ से इसको उठा करके एंड कर दीजिए, और इसको प्ले करके देखिए, ये देखिए परफेक्ट बन गया, दो हो गए। अब तीसरा लाइक और शेयर वाला बनाना है, इसको कॉपी करिए, यहाँ ला करके पेस्ट करिए, इसको फिर से एडिट कर लीजिए एडवांस में जा करके, और इसको डिलीट करिए, इंपोर्ट करिए यहाँ से ला करके लाइक एंड शेयर वाला, इसको बड़ा कर लीजिए, लाइक का बटन ला के यहाँ ऐड करिए, इसमें एनिमेशन डालिए, इसको बराबर एंड वाला बराबर, उसके बाद इसमें एनिमेशन डालिए एंड भी बिल्कुल बराबर कर दीजिए, इसके बराबर, उसके बाद इसको बिल्कुल बराबर कर दीजिए, फिर कर लीजिए ओके। अब दोस्तों आपको तीनों दिखाता हूँ कैसे बने, ऐसे करिए और यहाँ से करिए प्ले, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अगर टाइमिंग कम करनी है इसको कम एरिया में रखिए, जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी जाएगा, देखिए दोस्तों। आप इसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं, इस पर दो बार क्लिक करिए, फिर यहाँ जाइए सेव एज प्रीसेट, इसमें आप कोई नाम दे दीजिए, क्रिएटिव मेट लोगो टेक्स्ट, ये मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, आप जो चाहिएगा दे दीजिएगा, आपको दिखाने के लिए ये आपका सेव हो गया। ऐसे ही आप तीनों को सेव कर लीजिएगा। अब यहाँ ओके करिए, फिर देखिए टेक्स्ट में कस्टम में आएगा, ये देखिए दोस्तों ये बन गया। आप सीधा यहाँ से उठा करके अपनी टाइम लाइन में लगा सकते हैं, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने टेक्स्ट बनाना सीख लिया। दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।